हेलो जी, मैं हूं दीप। कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे स्काई ब्लू कलर का एक सूट। अगर आपको इतनी सी थोड़ी सी भी पेंटिंग आती है तो भी आप पेंट कर सकते हैं। डिजाइन लगेगा आपको बहुत खूबसूरत और इजी, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। उसको जरूर ट्राई करना। और उसके साथ आपकी डिमांड पे हम करेंगे अड्डा पे लगा के दुपट्टा पेंट। अड्डा पे लगाना कैसे है दुपट्टे को, उसको कैसे पेंट करना है, कैसे उसको संभालना है, मैं आपको सारा बताऊंगी इस वीडियो में। और इस वीडियो में सूट के साथ, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है जुत्ती का, तो इसके साथ ही हम जुत्ती पेंट करेंगे, साथ का एक कलर। और जो डिजाइन हम सूट और दुपट्टा पे बनाएंगे वही डिजाइन हम जुत्ती पे भी बनाएंगे। इसके साथ हम रेडी करेंगे प्लाजो। प्लाजो में कितना डिजाइन देना है सूट में लेके और कैसे रेडी करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और बाजू में कैसे पेंट करना है, कितना डिजाइन लेना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यानी कि पूरा सूट, सूट के साथ प्लाजो, प्लाजो के साथ दुपट्टा, दुपट्टा के साथ मैचिंग जुत्ती, तो ये सब कुछ हम कैसे बनाएंगे, आइए करते हैं शुरू। हाँ जी, तो ये है स्काई ब्लू कलर का मेरा सूट। इस पे मैं अम्ब्रेला पेंट करना चाहती थी, तो मैंने तीन बड़ी बड़ी अम्ब्रेला ड्रॉ कर ली है। इसको मैं पेंट करूंगी मल्टी कलर के साथ, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। जितना मैंने फोल्ड करना था सूट के नीचे बॉर्डर, वो मैंने छोड़ दिया है उतना। इसको हम बाद में फोल्ड करेंगे जब स्टिच करेंगे, पहले हम पेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस अम्ब्रेला से। इसमें मैं लगाऊंगी चार कलर। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ वाइट कलर। मैंने लिया है फ्लैट ब्रश 3 नंबर, तो मैं वाइट कलर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने 3 नंबर। आप इसकी जगह पे आउटलाइन करने के लिए कोई 2 नंबर राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे आउटलाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं इसी के साथ ऐसे आउटलाइन करूंगी। पहले आउटलाइन करने का मकसद ये है, कलर तो मैंने इसमें यही देना है, कलर बाहर ना निकले, उसके बाद मुझे पता चल जाए कि मैंने वाइट कलर इसके अंदर अंदर ही पेंट करना है। ये मैंने ध्यान से वाइट कलर के साथ आउटलाइन की। अब मैं फ्री होके, टेंशन फ्री होके वाइट कलर को इसके अंदर फिल कर दूंगी। कॉटन का सूट है। मैं व्हाइट कलर जहां जहां पे फिल करना है वो पहले, अब मेरे ब्रश को व्हाइट कलर लगा है तो मैं इसको पहले पेंट कर लूंगी। सेकंड कलर मैं ऑरेंज कलर ले रही हूं।
ये एक अम्ब्रेला कंप्लीट हो गई है, इसी तरह से बाकी दो अम्ब्रेला भी मैं कंप्लीट करूंगी और इसके ऊपर मैं छोटी छोटी अम्ब्रेला भी बनाऊंगी, पूरा फ्रंट रेडी करूंगी। और इसी तरह की अम्ब्रेला मैं बाजू के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ और प्लाजो के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ की मैं जुत्ती भी रेडी कर रही हूँ, पूरा सूट रेडी कर रही हूँ। दुपट्टा पे भी छोटी और बड़ी दो तरह की अम्ब्रेला डालूंगी। और ये है पर्ल मेटालिक कलर, सिल्वर कलर। इसके साथ मैं आउटलाइन कर रही हूँ। एक नंबर का मैंने ब्रश लिया है, जीरो नंबर का भी ले सकते हैं आप। इसे करके हम इस अम्ब्रेला की आउटलाइन करेंगे। ज़्यादा बारीक मैंने नहीं करनी है तो मैंने एक नंबर ब्रश लिया है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक आउटलाइन करनी है तो आप 0000, 000 राउंड ब्रश ले सकते हो, और भी बारीक आउटलाइन कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे कलर चेंज हुआ है, जहाँ जहाँ पे बाउंड्री आ रही है, मैं आउटलाइन करूँगी। लेकिन इसका इफ़ेक्ट सूखने के बाद दिखता है अच्छा। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये सूट हमारा रेडी हो गया है। ये सूट का पूरा फ्रंट बन चुका है, जिसके घेरे पे मैंने बड़ी अम्ब्रेला बनाई है, मल्टी कलर में मैंने बनाई है अलग अलग। उसके ऊपर मैंने छोटी 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 अम्ब्रेला बना के सूट के फ्रंट को यहाँ तक मैंने रेडी किया है। इसके ऊपर नेक कटेगा, नेक बनेगा। और ये है प्लाजो, ये पैरों के पास आएगा ये वाला डिज़ाइन नीचे वाले हिस्से पे। और ये मैंने बाजू पे एक एक बड़ी अम्ब्रेला डाली है। स्काई ब्लू कलर का लाइट दुपट्टा अड्डा पे लगाएंगे और फिर हम पेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है अड्डा, लोहे की पाइप है, चार पाइप को जोड़कर इस तरह से अड्डा बनाया जाता है। ये डोरी, इसके साथ हम कपड़ा बांधेंगे और कपड़ा यहाँ से अटैच करेंगे और टाइट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से, दुपट्टा के, साड़ी के हिसाब से इसको वेल्डिंग वाली जो शॉप होती है, लोहे वाली वेल्डिंग वाली शॉप, वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। ये देखने में जो लोहे की चारपाई होती है उस तरह का लगता है, और इसके ऊपर काम बहुत जल्दी होता है। तो पतले से पतला कपड़ा भी हम इस पर लगा के पेंट कर सकते हैं। ये डोरियां हैं, डोरियों से हम दुपट्टा को बांधेंगे। मैंने दुपट्टा को ट्रेस कर लिया है, जो ट्रेस किया हुआ हिस्सा है वो हम ऊपर वाली साइड रखेंगे कि उसको हम पेंट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं दुपट्टा को लगाना। ये वाली ऑल पिन मैं यूज़ कर रही हूँ डोरी के साथ दुपट्टा को टाई करने के लिए। इस तरह से डोरी के ऊपर मैंने कपड़ा रखा, इस तरह से ऑल पिन डाली और ऐसे मैंने लगा दिया। नेक्स्ट लगाएंगे। जब हम एक साइड लगा लेंगे फिर इसको प्रॉपरली टाइट कर पाएंगे। तो दुपट्टा टाई कर लिया है मैंने। दुपट्टा के दोनों साइड इस तरह से मैं लहरियाँ बनाऊंगी। सेंटर में मैं सूट के साथ का डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से मैंने 12 नंबर ब्रश लिया, फ्लैट से चलाऊंगी। जहाँ पे कलर थोड़ा कम होने लगेगा, इस साइड का कलर लेंगे हम, यहाँ से हम ब्रश को ऐसे घुमा देंगे और स्टैंडिंग पोजिशन में ला के यहाँ ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे और कलर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है इसको भी मैं नियॉन ऑरेंज के साथ पेंट करूँगी। ऐसे करके मैं ब्रश चलाना स्टार्ट करूँगी प्रेस करते हुए। यहाँ पे ब्रश घूमेगा तो मैं ब्रश को इस पोजीशन में ला के ऐसे ख़त्म कर दूँगी। अभी इनको छोड़ के लास्ट वाला भी मैं ऑरेंज लगा रही हूँ, नियॉन ऑरेंज। और इस काम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश 12 नंबर। दूसरा कलर भी मैं ले रही हूँ नियॉन येलो कलर, और
उसी तरह से हम ब्रश को चलाएंगे। इस तरह से अलग अलग कलर लेके मैंने दुपट्टा की दोनों साइड पे ऐसे डिज़ाइन रेडी कर लिया है, लहरिया का डिज़ाइन। अब हम इसके सेंटर में सूट के साथ का डिज़ाइन बनाते हैं। हमने बनानी है अम्ब्रेला। तो ये जो हमारा दुपट्टा है रेडी हो गया है, इसके अंदर का जो डिज़ाइन है अम्ब्रेलाज है वो भी हमने रेडी कर लिए हैं। उसकी आउटलाइन कर रही हूँ, ये लास्ट स्टेप है। ये सिल्वर मेटैलिक के साथ मैं अम्ब्रेला की आउटलाइन कर रही हूँ। तो बन गया जी सूट, रेडी हो गया। कैसा लगा आपको? इजी लगा ना? आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। उसके साथ का ये बनाया है दुपट्टा, बड़ी बड़ी अम्ब्रेला, इस तरह से सारे कलर को यूज करके अम्ब्रेला रेडी की है और नीचे ऐसे करके लहरिया बनाया है दोनों पल्लों पे, ठीक है जी। उसके साथ ये बनाई है जुत्ती मैचिंग, जुत्ती को सूट का कलर दिया है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन सूट दुपट्टा प्लाजो पे डाला है वही डिज़ाइन देके इसको बिल्कुल मैचिंग बनाया है। आप भी इसको ट्राई कीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।